गौरव, सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक हस्बैंड और वाइफ के रिलेशनशिप में है अंडरस्टैंडिंग और साथ ही ट्रांसपेरेंसी। ऐसे में मनी यानी मनी मैटर्स की अपनी एक अहम भूमिका होती है। शादी से पहले और शादी के तुरंत बाद कैसे अंडरस्टैंडिंग बिठाएं, तालमेल बिठाएं, ये तो आपने बताया, लेकिन अब जब फैमिली की शुरुआत होगी और जिम्मेदारियां बढ़ेंगी तो कौन सी और चीजें हैं जिनका हमें ध्यान रखना होगा, और खासतौर पर फ्यूचर का देखते हुए, क्योंकि एक्स्ट्रा खर्चे बढ़ेंगे लेकिन शायद इनकम में उतना इजाफा ना हो, तब क्या करें? फोकस की बहुत ही जरूरी है, फोकस बहुत ही जरूरी है। मैंने वो सेल्फी की बात की लेकिन वो एक्चुअली मजाक नहीं था, वो सीरियस था। आपके फाइनेंशियल गोल्स तय करके उसके हिसाब से ही निवेश करें। जिम्मेदारियां काफ़ी बढ़ जाती है, बच्चों की पढ़ाई के लिए अगर कोई SIP चालू कर सकते हैं, उनकी शादी के लिए SIP चालू कर सकते हैं। उसके अलावा ध्यान ये भी रहे कि क्या अभी पेरेंट्स जो है हस्बैंड के या वाइफ के वो रिटायर होने वाले हैं, उनकी जिम्मेदारियां आएगी तो उनके लिए एक प्रोविजन करना चालू करना वो भी ज़रूरी है। और ये ऐसा वक्त है जब खुद के रिटायरमेंट के बारे में भी सोचे। ये देखा गया है अक्सर के जब और जिम्मेदारियों के पीछे ध्यान लगा रहता है तो हमारे रिटायरमेंट दूर रह जाती है प्लानिंग, और फिर एकदम रिटायरमेंट से 5-10 साल ही बाकी रह जाते हैं। तो अभी एक बड़ा पिक्चर देखना ज़रूरी है, फोकस ज़्यादा ज़रूरी है, उसके हिसाब से निवेश करते रहे, टाइटल्स क्लियर हो, बैंक अकाउंट्स क्लियर हो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वाइफ सबेटिकल ले रही हो, वो घर पे है, तो फिर ये क्या होता है कि जिम्मेदारी अकेले हस्बैंड पे आ जाती है। तो ओवरऑल प्लानिंग अभी सिर्फ निवेश की तरफ ध्यान ना दें, लेकिन इनकम एक्सपेंस असेट्स मतलब के इन्वेस्टमेंट्स और लायबिलिटीज मतलब के लोन चारों और ध्यान दें। अगर ये चारों पहियों में समन्वय नहीं होगा तो आपकी गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। तो मेहरबानी करके बड़ा पिक्चर देखें, कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग की ओर ध्यान दें। तो यानी कि फ्यूचर का जरूर सोचें, प्रूडेंट होके चलें अपने हर इन्वेस्टमेंट में, और अपने स्पाउस को उस इन्वेस्टमेंट के बारे में जरूर बताएं, क्योंकि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी तो हो सकता है अगर आपके घर में और भी अर्निंग मेंबर है तो उनमें से कोई रिटायर हो या फिर कोई जॉब छोड़ सकता है। जैसा कि एक्सपर्ट ने भी कहा कि बेबी के बाद हो सकता है कि वाइफ आपके एक ब्रेक लें, सबार्टिकल लें, ऐसे में आप पर बर्डन बढ़ सकता है, तो ये बहुत अहम होगा। जहां तक रिटायरमेंट की बात है तो अवेयरनेस होना भी बहुत जरूरी है कि आपके स्पाउस को पता होना चाहिए कि आपने कौन कौन से इन्वेस्टमेंट्स कर रखे हैं। तो अगर एसेट क्लासेस की हम बात करें तो एक सिक्योर इन्वेस्टमेंट के लिए क्या एडवाइस रहेगी आपकी? पल्लवी, तीन हिस्सों में रिटायरमेंट बांट दे। एक हिस्सा है जो लिक्विडिटी के लिए है, ताकि इमरजेंसी रिटायरमेंट के बाद में इमरजेंसी के लिए पैसे चाहिए उसमें, रेगुलर इनकम चाहिए वो दूसरा निवेश कर ले, और तीसरा ग्रोथ। लेकिन दो तीन चीज ये ख्याल में रहे कि हस्बैंड और वाइफ दोनों को पूरा पता होना चाहिए अपनी जो भी वित्तीय परिस्थिति है। कई दफ़े ऐसा होता है कि हस्बैंड कहता है वाइफ को, मैं कहता हूँ, वो ध्यान नहीं देती। वाइफ कहती है अपने कारोबार में काम में इतने बिजी है, उनको समय नहीं है। ये ज़रूरी है कि दोनों अपनी जो भी जानकारी है एक दूसरे के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करें, पहली बात ये। दूसरा, अगर कोई भी कर्ज है तो हो सके तो रिटायरमेंट से पहले उसे चुकता कर दे, उसका भुगतान कर दे, क्योंकि जो रिटायरमेंट का कॉर्पस आएगा वो आपके लिए एक छोटा सा बीज बन जाएगा जो आपके आखिर तक काम आएगा। अगर उसमें ही कटौती करोगे, मतलब वो पैसे आप लोन भरपाई के लिए इस्तेमाल करोगे, तो आपकी जो उसके बाद की आमदनी है उसको इम्पैक्ट होगा। हेल्थ इंश्योरेंस की ओर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको आपके एम्प्लॉयर हेल्थ इंश्योरेंस दे रहे हैं तो एक दफ़े आप रिटायर हो गए फिर तो आपको मिलेगा नहीं, तो फिर आप क्या करोगे? और वही वक्त है जब आपको उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो अगर एम्प्लॉयर हेल्थ कवर है तो रिटायरमेंट से 4-5 साल पहले एक पैरेलल हेल्थ इंश्योरेंस ले ले। और ये वक्त है अगर आपने अब तक अपनी वसीयत नहीं बनाई, विल नहीं बनाया और नॉमिनेशन नहीं हुआ, नामांकन नहीं हुआ, तो उसकी तैयारी भी चालू कर दे। तो रिटायरमेंट के लिए बहुत एडवांस में आपको प्लानिंग करनी होगी, यानी अगर आप चाहते हैं एक सुकून भरा रिटायरमेंट हो आपका तो उसके लिए पहले से ही इन्वेस्टमेंट्स करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट, भागीदारी यहाँ पर बहुत अहम है, यानी आपकी वाइफ या फिर आपके हस्बैंड, उनको आप ज़रूर लूप में रखें कि आपने कहाँ कौन से इन्वेस्टमेंट्स करे। मैं आपने पोस्ट रिटायरमेंट का जिक्र किया गौरव, तो क्विकली आपसे मैं जानना चाहूँगी, विल एक समहाउ एक माइंडसेट है कि बहुत ज़्यादा यू नो जायदाद की बात है, जॉइंट फैमिली है तो ही विल बनाना ज़रूरी है, लेकिन एक आम जिंदगी में एक हस्बैंड वाइफ और अगर हम किड्स की भी यहां पर बात करेंगे, विल कितनी आसानी से बन सकता है और इसकी अहमियत कितनी रखती है? पहली बात तो ये है, ये प्रश्न मेरे सामने अक्सर आते रहता है, तो मैं कहता हूं कि जिस दिन पहला बैंक अकाउंट खोला उस दिन विल बनाने की जरूरत है।
कि उसके बाद में आपकी संपत्ति का सर्जन होगा। लेकिन अगर अब तक आपने नहीं बनाया तो बना लीजिए। विल बनाना बहुत ही आसान है, एक कोरे कागज पे आप हाथ से लिखा हुआ विल भी बना सकते हैं। लॉयर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहे तो जा सकते हैं। दूसरी बात ये, हाथ से लिखा हुआ विल कम्प्लीटली वैलिड है। तीसरा, इसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, अगर आप चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उसको दो, उसके साथ दो विटनेस होने चाहिए, अगर एक डॉक्टर विटनेस बनता है तो बहुत ही बढ़िया है, अगर वो नहीं है तो दो और विटनेस। लेकिन ध्यान रहे कि विटनेस आपसे उम्र में छोटे हो, और अगर कोई एक विटनेस का देहांत हो जाए तो विल चेंज कर ले। एग्जीक्यूटर की भी ज़रूरत है, और विल जितना सिंपल रखेंगे उतना आसान होगा, जितना कॉम्प्लिकेटेड विल उतनी परेशानी ज़्यादा। उसके अलावा अगर रियल एस्टेट वगैरह है तो उसमें ये भी एक डाल दें कि रियल एस्टेट के वैल्यूएशन की फॉर्मूला कौन सी रहेगी, उसमें सिर्फ प्रतिशत ना डाल दें क्योंकि फिर डिस्ट्रीब्यूशन में दिक्कत आती है। तो ये पूरा नजरिया ले। विल जो है वो आपकी एक फाइनेंशियल बायोग्राफी है, उसे डेथ वारंट ना समझे, फाइनेंशियल ऑटोबायोग्राफी बना। राइट, और समय समय पर अपने विल को भी रिवाइज करें, यानी कि विटनेस में कोई बदलाव होता है, अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो आप जरूर उसे चेंज करें। शुक्रिया गौरव, आपने समय निकाला और बातचीत की हमसे। तो इस खास पेशकश में आज इतना ही, फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।